हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर का एक्सरसाइज 11.9। ठीक है, कहने के लिए ये सवाल बहुत ही इजी है, दो स्टेप में काम निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसका मैकेनिज्म आज देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन दैट मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन हम लोगों को करना है, और उनमें जितने भी इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, उनके इक्वेशंस हमको लिखने हैं। आपको यहां पर मैकेनिज्म भी डिटेल में बताएंगे, ध्यान से एकदम देखते जाइएगा। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जो आप लोग पढ़े हैं या जो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। वो ये है कि हमारे पास जो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, जिसे हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, यही हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। यहां पर C, यहां H कर सकते हैं, है ना, CH3, यही आइसोप्रोपाइल रेडिकल है, उसमें बेंजीन लगा हुआ है। तो इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं, या इसी को क्यूमीन कहते हैं। सबसे पहले यहां पर है क्या कि ये बेंजीन है हमारा, अनसेचुरेटेड सिस्टम है। अनसेचुरेटेड सिस्टम है तो यहां पर क्या है कि इस कार्बन पर यहां पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, ये CH यहां पर से अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर। तो इसका रिएक्शन O2 के साथ में हो रहा है, O डबल बॉन्ड O है, मैकेनिज्म दिखाएंगे ही। यहां से भी ये बॉन्ड टूटता है और ये ऑक्सीजन जो है ये पेरोक्साइड बन जाता है, और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाके शिफ्ट हो जाता है यहां पर, जो बनाता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्या बनाता है, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड ये फॉर्म करता है, ठीक है, ये फॉर्म करता है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, यहां पर ये फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद यही क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो यहां बना, ये जो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो बना, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो यहां पर फॉर्म हुआ है, इसी का बाद में यहां पर क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने पर, एसिडिक मीडियम में यहां पर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग, तो उसके बाद ये टूट जाता है फिनॉल में। किस में टूटता है, ये फिनॉल में ये टूट जाता है, ये फिनॉल देता है, प्लस यहां पर एसीटोन मिलता है। क्या मिलता है, एसीटोन। ये एसीटोन की क्वांटिटी भी कम नहीं होती है, या सिंपली यहां पर प्रिपरेशन फिनॉल का है, अलग बात है, लेकिन यहां एसीटोन भी बहुत अधिक अमाउंट में बन जाता है, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन में भी ये रिएक्शन काम देता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन में भी ये रिएक्शन काम दे सकता है, अगर आपको क्यूमीन दे दिया जाए और एसीटोन बनाने के लिए कहा जाए तो भी ये रिएक्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये भी कुछ ना कुछ ज्यादा अमाउंट में ही बनता है। तो ये रिएक्शन है, ये एक छोटा सा रिएक्शन है क्यूमीन से फिनॉल तक पहुंचने का प्रोसेस, ठीक है ना। अब होल मैकेनिज्म क्या है, उसके लिए एकदम कॉपी पेन ले लो और मेरे साथ तुम लोग करते जाओगे, ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एकदम नजरें यहां टिकाए हुए रखना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। इसकी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहला स्टेप, यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ये क्यूमीन है, क्यूमीन दैट मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन हमारे पास में है। अब ये जो है हमारे पास, ये तो फिनाइल है, ये बेंजीन है हमारा, फिनाइल रेडिकल। तो ये जो बेंजीन एक अनसेचुरेटेड सिस्टम है, इसके बाद का ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हो। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन, यहां पर प्लस HC इफेक्ट काम कर रहा है प्लस, इसके कारण से यहां पर क्या होगा, ये हमारा ये सेपरेट हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर ये हाइड्रोजन अपना टूट गया, रेडिकल बन जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो हमारा रिएजेंट यहां पर है, ये ऑक्सीजन का भी जो ये पाई बॉन्ड है वो यहां से टूटेगा, जिसके बाद यहां पर फर्स्ट प्रोसेस में यहां पर हमारा बनेगा क्या चीज, ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड यहां पर ये फॉर्म हो गया, ये बीच में चला गया, तो सिंगल डबल का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जब टूटेगा तो ये टूटने के बाद क्या होगा, यहां पर ये टूटने के बाद यहां पर एक रेडिकल आएगा, यहां पर रेडिकल आएगा, और ये टूटेगा तो यहां पर रेडिकल आएगा, तो यहां पर ये क्या हुआ, बीच में आकर शिफ्ट हो गया, यहां पर शेयरिंग कर लिया, ठीक है।
अभी क्या है, अगले स्टेप में हमारे पास अगला स्टेप जो हमारा होगा यहां पर, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप टू की बात कर रहे हैं, ध्यान से एकदम देखते रहिएगा, स्टेप टू की बात कर रहे हैं। स्टेप टू में ये ऑक्सीजन के पास में क्या है, यहां पर लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्टेप टू में प्रोटोनेशन होता है यहां पर, स्टेप टू जो हमारा है, स्टेप टू में हमारा ये यहां पर सी, ये ओ ओ एच है, यहां पर सी एस थ्री है, ये भी यहां पर सी एस थ्री है। यहां पर क्या होगा, स्टेप टू में हमारा प्रोटोनेशन होगा, यानी कि हम लोग यहां पर एच प्लस देंगे, ठीक है। जब प्रोटोनेशन होता है तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ये क्या होगा, यहां से ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहां से प्रोटोनेटेड हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड होगा तो आप सभी को पता है यहां पर क्या अगला स्टेप में आएगा, ये अगला स्टेप में सी के बाद यहां सी एस थ्री है, यहां सी एस थ्री है, यहां पर ओ, ये ओ पर प्लस आएगा, एक एच तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, एक एच और अभी यहां पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये ऑक्सीजन तो प्रोटोनेटेड हो गया, ठीक है। और आप सबको यहां पर पता है कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या होता है, यहां पर से ये बॉन्ड जाता है और यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, नहीं, यहां से ये बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस की तरफ ये बॉन्ड चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का यहां रिमूवल होगा। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टेप और इसी में मिला रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर ये सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, यहां पर ओ रहेगा जुड़ा हुआ, इस ओ पर चार्ज आएगा प्लस, और यहां से क्या हो जाएगा, एच टू ओ मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। अब आप सब यहां पर देखिए, हमारे पास जो सिस्टम तैयार हुआ है इस सेकेंड स्टेप के लास्ट पॉइंट में, यहां पर ऑक्सीजन प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर प्लस चार्ज है, तो खतरनाक वाला बात हो गया भाई, इससे खराब बात और क्या हो सकती है। तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज मीन्स अनस्टेबल है पूरा सिस्टम। अब ये सिस्टम स्टेबल करने के लिए यहां पर ऑक्सीजन पर से चार्ज हटाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन पर जब ये प्लस चार्ज है इस जगह पर, और इस पूरे सिस्टम के सामने में यहां पर कार्बन है, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्लस चार्ज है तो इसको स्टेबल करना होगा ना, और इसको स्टेबल करने के लिए यहां पर अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा रीअरेंजमेंट का, रीअरेंजमेंट का स्टेप आएगा यहां पर। अब रीअरेंजमेंट किसका होगा, तो ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन के बाद जो ये कार्बन है, इस कार्बन से तीन चीज जुड़ा हुआ है, नहीं, एक ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, और एक फिनाइल जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हो और कार्बन से कुछ कुछ चीजें जुड़ी हुई हो, तो यहां पर सबसे पहले इस ऑक्सीजन के पास, देखिए यहां पर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर से कोई ना कोई एक चीज माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, रीअरेंज होगा। अब माइग्रेशन किसका होगा, तो यहां पर माइग्रेशन पावर देखा जाता है कि माइग्रेटिंग पावर किसके पास ज्यादा है। अगर कार्बन से, यहां पर सुनिएगा, अगर यहां से कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड होता तो वो H- बन के निकलता, यहां फिनाइल है तो वो PH- बन के निकलेगा, और यहां से अगर ये मिथाइल निकलता है तो CH3- बन के निकलेगा, तो कौन निकलेगा यहां से, तो जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। और जान लीजिए ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग पावर होता है हाइड्राइड आयन का, H- का, अगर H है तो वो पहले पहले वही निकलेगा H- बन करके, उसके बाद फिनाइल पीएच माइनस का माइग्रेटिंग पावर होता है, यानी कि ये सिस्टम उसके बाद निकलेगा, और सबसे लास्ट जो है वो है हमारा मिथाइल का, है ना। उसके बाद हमारा कोई रेडिकल अगर आर कोई जुड़ा हुआ है तो उस आर का जो है आर माइनस बनने का सबसे लास्ट है चांस। तो यानी कि सबसे माइग्रेटिंग पावर की अगर हम लोग बात करें, माइग्रेटिंग पावर की अगर हम लोग बात करें, माइग्रेटिंग पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा है हाइड्राइड का, उससे कम है फिनाइल का, और उससे कम है अल्काइल का। तो यहां पर आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, है ना, हमारे प्यारे राजू, है ना, हमारे प्यारे रामू कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑर्डर है माइग्रेटिंग पावर का, तो माइग्रेटिंग पावर को आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास तीनों में से क्या प्रेजेंट है, एक तो
आर प्रेजेंट है, दूसरा फिनाइल प्रेजेंट है, तो कौन यहां से माइग्रेट होगा, फिनाइल माइग्रेट यहां पर होगा। सबसे पहले यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो रोक करके खुद से नोट करिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेस कर रहे हैं। देखो मैकेनिज्म अगर नहीं बनाते हो तो रिएक्शन तो लिख लोगे, लेकिन मैकेनिज्म अगर नहीं करते हो तो फिर क्या है ना, बिना हाथ पैर का वो बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना, बॉडी तो है लेकिन उसके हाथ पैर नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिज्म जरूरी है, मैकेनिज्म से आप रिएक्शन, अगर जितना ज्यादा मैकेनिज्म आप करोगे तो उतना आप लोग जो है, जो इन फ्यूचर आप लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस करोगे, कन्वर्जन करोगे, तो आप लोग जो है प्रेडिक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि अगला प्रोडक्ट क्या होने वाला है या अगला स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन के लिए मैकेनिज्म का प्रैक्टिस चाहिए। तो यहां पर क्या बना था, जरा सा छूट गया, यहां पर CCS3, यहां पर CH3 था, यहां पर O पर प्लस चार्ज था। तो स्टेप थ्री जो हमारा होने वाला है इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा रीअरेंजमेंट यहां पर होगा। किसका रीअरेंजमेंट होगा यहां पर, तो फिनाइल का रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, फिनाइल या फिर पीएच माइनस का। तो यहां पर ये जो हमारे पास स्टेप टू का बना हुआ, हमारे पास एक अनस्टेबल आयन जो है वो है सी, इधर CH3, यहां CH3, यहां पर ओ, ओ पर कौन चार्ज है, प्लस चार्ज है। ये क्या होगा, ये फिनाइल यहां से, फिनाइल यहां से पीएच माइनस बन करके, यानी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां चला आएगा, जिसके बाद क्या होगा, इस ऑक्सीजन का जो है वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखो अच्छे से, बेंजीन का ये सिस्टम तो पूरा चला गया ऑक्सीजन के नीचे में, अब आ गया ऑक्सीजन, इस पर इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है और इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ये कार्बन, कार्बन पर चार्ज क्या आ गया है, प्लस, ये कार्बोकेटायन बन चुका है और इससे जुड़ा हुआ यहां पर CH3 और यहां पर CH3, क्लियर, यहां पर ये तो जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। अब क्या है, अब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब इस पूरे जो बना हुआ ये प्रोसेस है, ये कार्बोकेटायन है यहां पर, कार्बोकेटायन हमारा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अब होगा, देखो यहां पर, अब यहां पर ये सिस्टम पहले ज्यादा स्टेबल है, क्यों भाई, क्योंकि ये बेंजीन के बाद, देखोगे यहां पर बेंजीन के बाद यहां पर ये लोन पेयर है, यहां पर प्लस एम इफेक्ट यहां पर लग रहा है, ठीक है ना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण से अब ये सिस्टम क्या हो चुका है, हमारा स्टेबल हो गया है, ठीक है, स्टेबल हो गया है। तो अगला स्टेप हमारा है बाबू, अगला स्टेप है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होगा, हम लोग करवाएंगे हाइड्रेशन, यहां पर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, क्या कराएंगे इसका, हाइड्रोलाइसिस। तो ऑक्सीजन है यहां पर, सी प्लस है, CH3 है, ये CH3 है, अब इसका हम लोग करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप सबको पता है यहां पर हाइड्रोलाइसिस में ये जो वाटर का जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा किस पर, कार्बोकेटायन पर। हाइड्रोलाइसिस में जो वाटर पर, वाटर का जो न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पर अटैक करेगा, इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनेगा बाबू, यहां पर अगला जो बनेगा प्रोसेस में वो बनेगा ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन आएगा, कार्बन से जो यहां CH3 जुड़ा हुआ है वो तो जुड़ा हुआ है ही, यहां पर जुड़ जाएगा H2O, और H2O पर यहां पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आएगा चार्ज, प्लस आएगा। अब यहां पर ये ऑक्सीजन पर यहां पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां से अपना H+ बनके भागेगा और H+ को तुरंत ही कौन ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, यहां पर ये जो बेंजीन पर ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट कर लेगा। यहां से देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर के निकलेगा, H+ बनके हाइड्रोजन आयन बनके निकलेगा और ये पहुंच जाएगा इसके पास, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो अगला स्टेप होगा हमारा, देखिएगा ध्यान से, बड़ा है लेकिन क्या करिएगा, मैकेनिज्म है, ठीक है। तो स्टेप 5 जो होगा, मैकेनिज्म कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चों, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है
यहाँ पर हमारे पास जो अगला स्टेप है ये दिखा देते हैं, जो हमारे पास बना है ऑक्सीजन पर ये हमारा चार्ज है, ये हम लोग C, यहाँ पर जो O H है इस पर प्लस चार्ज है, और ये यहाँ पर CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रोटॉन शिफ्ट होगा, ये H प्लस शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद ये हमारा H प्लस पहुंच जाएगा ऑक्सीजन पर, तो ये ऑक्सीजन से ये जुड़ गया, तो ऑक्सीजन चार्ज क्या आ गया यहाँ पर, प्लस आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। सामने में कार्बन है, कार्बन पर यहाँ पर ओ एच है, ऑक्सीजन पर अपना लोन पेयर कवर हो गया है, और ये सी एस थ्री है, यहाँ पर ये सी एस थ्री है। अब जरा देखो यहाँ पर, ये ऑक्सीजन के कारण से ये ओ एच ग्रुप तो माइनस आई ग्रुप यहाँ पर है, जिस कारण से यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप कहीं ना कहीं हो रहा है ना। प्लस प्लस में यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ भी अगर प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, प्लस प्लस में क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन के कारण से ये यहाँ पर से टूट करके निकल जाएगा। तो यहां पर से ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये टूट के यहां से निकलेगा, तो ये फिनोल का सिस्टम अलग हो जाएगा यहां पर। तो इसके बाद यहां पर क्या होने वाला है, इसी स्टेप में यहां पर कर देते हैं, यहां पर हमारा फिनोल जो है वो निकल जाएगा, ये हमारा ओ एच यहां से निकल गया, कंप्लीट ये निकल गया। बचा क्या यहां पर, तो ये क्या कहते हैं, ये जो यहां पर हमारा बचा सिस्टम, सिस्टम हमारा बचा है सी एस थ्री, ये C है, C से ये दो सी एस थ्री जुड़ा हुआ है ही, C पर जो ये हमारा OH है, और ये कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो यहां पर चार्ज क्या आ चुका है, प्लस चार्ज, और यहां पर क्या है, ये लोन पेयर है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज के बाद लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली बाद क्या है, एडजेसेंट में क्या है, यहां पर लोन पेयर आ गया है, नहीं तो जब पॉजिटिव चार्ज के बाद लोन पेयर हो, तो यहां पर कंजुगेशन तो आपको दिख रहा है प्लस चार्ज और लोन पेयर में, और जैसे ही ये सिस्टम ऐसा कुछ होगा, तो यहां पर देखोगे जरा सा, यहां पर भी अपना इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, यहां पर H प्लस जो हाइड्रोजन है वो H प्लस बन के यहां से निकलेगा। क्यों भाई, यहां पर पॉजिटिव चार्ज के बाद यहां पर लोन पेयर है, यहां पर भी मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम दिख रहा है यहां पर, तो ये हमारा जो है H यहां से H प्लस बन के निकलेगा, प्रोटॉन यहां पर से शिफ्ट होगा, प्रोटॉन यहां से लॉस होगा, और अगले स्टेप में जो हमारा स्टेप सिक्स जो लास्ट में होगा, स्टेप सिक्स की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये जो सी एस थ्री है, सी यहां पर जो ओ एच था, तो यहां पर सी एस थ्री है, सी पर चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है यहां पर, यहां से क्या होगा, ये प्रोटॉन यहां से शिफ्ट होगा, एच प्लस यहां से निकल जाएगा, यहां से एच प्लस बाद में निकालेंगे, जैसे ही एच प्लस यहां से निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो जब बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये बनेगा सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री, प्लस क्या निकल गया यहां से, एच प्लस यहां से निकल गया, तो एच प्लस निकलने के बाद यहां से क्या बन गया हम लोग का, ये एसीटोन बन गया। ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि डिटेल में आपको बताया है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऐसा ही होता है, मैकेनिज्म थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैकेनिज्म, वो तो डिपेंड करता है उसके अंदर में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, उसको शॉर्टकट हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो आपको सिंपल रिएक्शन दिखा दिए, अगर आपका आंसर वहीं तक सेटिस्फाइड है आप, तो ठीक है, आपका आंसर वही है सबसे पहले जो लाइन बताए, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिज्म भी अगर आपको सीखना है तो ये था मैकेनिज्म, ये है प्रोसेस। अब इसको अच्छे से जानने के लिए आपको बार बार इस पर रिवीजन करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा उतना अच्छा आपका मैकेनिज्म होते जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल पर आप बने हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यहां से सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।